यह है रत्न लक्ष्मी डेयरी फार्म का सेकंड वीडियो है, जिसमें आनंद जी हमें बताएंगे पशुओं के फेट के बारे में और कौन डेयरी फार्म कर सकता है और कौन नहीं इसके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए एग्री आबोर को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर बताइए क्या है ये? हम लोगों के पास नेपियर घास है। ये घास की ये क्वालिटी है कि इसका नाम है नेपियर CO11। ओके, ये घास के अंदर फुल प्रोटीन है और इस घास को इसको अपन चरी बोलते हैं। इसको अपन एक बार लगाते हैं तो 5 से 6 साल कंटिन्यूस आती रहती है, बार बार लगाना नहीं पड़ता है। जिसके अंदर भरपूर प्रोटीन है। जैसे आप बता दीजिए इसको उठा के कि किस तरह से ये है, क्या दिखती है? ये मेरे पास चरी है, ये चरी आसानी से टूट भी जाती है और मैंने मेरे पास 11 बीघा में CO11 नेपियर घास को लगा के रखा हुआ है कि हमको 365 डेज मेरे जानवरों को, मेरे पशुओं को खाने को होना। तो इन जानवरों को हम छोटे छोटे पीसेस में, हमारे पास जो कुट्टी मशीन है उसके थ्रू हम इसको पूरे चारे को पीस देते हैं। जैसे ये गन्ने की तरह दिख रही है तो ये गन्ना चरी भी बोलते हैं। इसको गन्ना चरी बोलते हैं या नेपियर घास बोलो तो वो इंग्लिश शब्द हो गया नेपियर CO11। और हिंदी में भी अपनी अपनी भाषा में भी अपन बात करें तो ये अपनी गन्ना चरी है। तो इसमें जैसी दिखेगी आपको, गन्ने जैसी दिख तो रही है पर इसमें रस भी आता है क्या? नहीं, इसमें रस नहीं आएगा, इसमें पानी की मात्रा जरूर मिलेगी आपको। ओके, जैसे ये कुट्टी मशीन है ये इसको okay. बोलेंगे। और ये साइज था, ये कुट्टी हो जाती ये है, ये कुट्टी हो जाती है। जैसे क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, कुट्टी की एकदम बढ़िया है ये। और जानवर को ये जो साइज है ये साइज खाने में मजा आता है। यदि इससे ज्यादा बारीक साइज खिलाएंगे तो पेट में जाके वो फंस जाएगा। और ये कुट्टी मशीन के बारे में आप बता दीजिए। कुट्टी मशीन हम लोगों को 70,000 रुपये में हमने सेकेंड हैंड ली थी। है 70,000 रुपये की है। इसकी स्पीड की बात करें, इसकी एक्यूरेसी की बात करें या इसके मेंटेनेंस की बात करें, तीनों में ये ज़बरदस्त है। ओके, जैसे ये कुट्टी मशीन आपने किसी को देख के खरीदी कि आपको? हम लोगों ने पहले यूट्यूब पे देखा था, दो दूसरे हैं लोगों के, हमने फार्म हाउस पे भी जा के देखा था। तो कुट्टी मशीन हाथ से कुछ चलाने वाली थी तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट्स में जानवर थे तो उतना हाथ से हम काट नहीं सकते थे। तो हमको कुछ आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी एक मशीन होगी जिसके थ्रू ज्यादा अमाउंट में हमारे पास नेपियर घास कट के हमको मिल जाए। हम हमारे जानवर को 30 से 35 किलो एक जानवर को हम खिलाते हैं पर डे, तो जिससे कि हमारे जो जानवर है उसका जो बॉडी मेंटेनेंस की बात करें या उसकी हेल्थ की बात करें तो उससे वो तंदुरुस्त रहता है और हेल्दी रहता है। और आगे जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ खली है, क्या ये खल है हमारे पास? हमारे जानवरों को हम लोग खल भी खिलाते हैं, चूरी भी खिलाते हैं, सोया DOC भी खिलाते हैं। तो ये खल को आप सुखा रहे हो कि इसमें कुछ मिलाया है आपने? ये खल को अभी सुखा रहे हैं हम लोग, थोड़ा गीला करके रखा हुआ है कि जानवरों को गीली खल खाने में ज्यादा मजा आता है। जैसे ये फूल जाती है, ये फूल जाती है, फूल जाएगी तो गलेगी अच्छी, टूटेगी अच्छी। हाथ में लीजिए इसको, तो इससे दूध की क्वालिटी और फेट में इफेक्ट आता है। भीगा हुआ गर्म पानी में भीगा हुआ यदि अपन जानवरों को खिलाएंगे तो उतना जानवर को मजा आएगा। और ये सामने वाली मशीन, जो ये एक जो मशीन है ये हम लोग इसके अंदर हमारा मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सबको भी पीस के हमारे जानवर को हम खिलाते हैं। आटे हम एक ऐसा फैट, हम एक ऐसा उनको मिश्रित खाना खिलाना चाहते हैं, ऐसा भोजन हम देते हैं कि हमारे जानवर को खाने में मजा भी आए और दूध एकदम टेस्टफुल बने। और ये कितने में आई थी आपको? मशीन थी 55,000 रुपीज की थी, हमने नई खरीदी थी इंदौर से। बहुत सारी जगह पे हमने मशीनों के बारे में देखा, ये एक तरीके का चाप कटर है, कुट्टी मशीन है, ये भी एक चाप कटर है। इसके अंदर इस चीज की ये क्वालिटी की दाने को एकदम बारीक कर देती है। जितना बारीक दाना होगा उतना जानवर को खाने में मजा आता है। हम गेहूं को, मक्के को, सोयाबीन को सबको एक अमाउंट में हम डालते हैं और उसका मिक्सचर बना के हमारे पशुओं को हम खिलाते हैं। जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जैसे इस मशीन का नाम क्या है? ये मशीन का नाम चाप कटर है, विधाता का चाप कटर है, 5D मॉडल है इसका नाम। 5D मॉडल विधाता का है ये, 5D मॉडल। और ये इलेक्ट्रॉनिक है मतलब? ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है।
वही इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलाना चाहे तो अपन डीजल का जो अपना जो ट्रैक्टर रहता है उसके साथ भी अपन इसको कनेक्ट कर देंगे तो भी चल जाए, जैसे ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, वो अटैचमेंट आपको लेना पड़ेगा उसके लिए, और उससे भी कनेक्ट हो जाता है। और ये सामने चारा कौन सा है, ये मसूर का है कि गेहूं का है? गेहूं का जो चारा है वो भी 350-350 क्विंटल हम लोगों ने रख के रखा हुआ है। ओके। और हमारे पास मसूर का चारा भी है, मसूर का चारा भी हम लोगों ने जैसे मिला के रखा है आपने, 300-350 क्विंटल हम लोगों ने हमारा स्टोरेज करके रखा हुआ है। तो ये कितने रुपए किलो के हिसाब से? यदि गेहूं के चारे की अपन बात करते हैं तो 300-350 रुपए क्विंटल पड़ता है, और यदि मसूर के चारे की बात करते हैं तो वो 600-650 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपको मिलेगा। मसूर के चारे की एक ही क्वालिटी है कि जानवर के भी मसूर खाना पसंद करता है तो उसकी दूध की क्वालिटी सबसे जबरदस्त बनती है, दूध मोटा बनता है और क्वालिटी एकदम अच्छी आती है। जैसे जो आपने फीड बनाया, हाँ, ये किस रेशियो में देते हैं आप? हर फीड का रेशियो अलग अलग रहता है कि मतलब कि आपको किस हिसाब से खिलाना है, आपको क्या चीज़ मेंटेन करके रखना है। अपन आगे के उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने किस हिसाब से। तो हम अब जानेंगे इनके रेशो के बारे में, जो फीड ये खिलाते हैं इनके फार्म में। यदि अपन रेशो की यदि अपन एक बात करें, मोटा मोटा यदि बात करें तो अपन एक क्विंटल की बात करते हैं। ओके। एक क्विंटल के अंदर मक्का हम 20-23 किलो लेते हैं। ओके। गेहूँ 10 किलो, खल 15 किलो, काकड़े 12 किलो, चनाचूरी 8 किलो, चोकर 8 किलो, सरसों का जो DOC है वो 18 किलो, नमक और सोडा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन आप जो लेते हैं? मेडिसिन के बदले हम लोग प्रिफर करते हैं मिनरल मिक्सचर, हम लोग प्रिफर करते हैं कि मिनरल मिक्सचर हम दे तो उनसे जितने प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, जो भी है वो जानवरों को मिलते रहे। जैसे मिनरल मिक्सचर में आप नाम बता सकते हो? मिनरल मिक्सचर में हिमालय का मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं जो 300 रुपये का पड़ता है हमारे को, 20 किलो का बैग देता है। और आपको मैं फोटो बता सकता हूँ, बैग बता सकता हूँ मैं आपको, आइए। जैसे आप ये देख रहे हो, ये खिलाने के लिए यहाँ पे तैयार हुआ फीड है जो पशुओं को धोने से पहले खिलाया जाता है। और इसमें आप देख सकते हो ये एक फीडर है जो मार्केट में अवेलेबल है। ओके। ये हिमालय का मिनरल मिक्सचर हो गया। हाँ। उसके बाद यदि जानवरों को कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम भी हम खिलाते हैं। ओके, कैल्शियम हमारा कैल्शियम है। और ये लीवर टॉनिक है। और जो हम लोगों का फीड है वो ये रहा। जो फीड है हम लोगों का फीड है। ओके। थोड़ा हाथ में ले लीजिए। ये जानवर एकदम चाव से खाता है इसको। ये फीड है, ये हमारे फीड की क्वालिटी है। ओके। और ये आप खुद ही बनाते हो? ये हम खुद ही बनाते हैं। ये 110% एकदम हाइजेनिक है। ठीक है। ये हमने हमारे हाथ से बनाया हुआ है। हमारे घर का जो इसमें उत्पादन था, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, वो सब हमने हमारे पास का लिया है, बाहर से कहीं से भी नहीं लिया है। हम पूरा फुल्ली ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो जैसे आप क्या सलाह देना चाहोगे किसान दोस्तों को? यही एक सलाह देना चाहूँगा कि ये काम बहुत अच्छा भी है और बहुत टीडियस जॉब भी है। यदि आपको खुद ही अब रहे कि ये काम करने में आपको इंटरेस्ट हो, ये आप 24 और इस काम में आप दे सकते हो, इस काम को आप दे सकते हो तो ही ये काम करना चाहिए। नहीं तो इसमें लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेशन तो 50% से ज़्यादा का दिखता है। ओके। पर बहुत सारे लोगों ने काम करके वो लोग फंस भी चुके हैं कि यार इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फिर घाटा भी लग गया है। यदि खुद व्यक्ति पर्सनली इसमें टाइम दे, हर चीज़ को माइनॉरिटी के साथ देखे, हर चीज़ पे उसकी नज़र होने को होना है कि किसके साथ क्या अप हो रहा है, किसके साथ क्या डाउन हो रहा है, को मतलब कि जानवर बोलता नहीं है। ओके। पर इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसकी क्या नीड है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और जैसे आप कुछ फीड के बारे में, जैसे फीड जो आपने बनाया है ये दूध लेने से पहले खिलाना चाहिए कि बाद में? ये मतलब कि फीड हम लोग जो खिलाते हैं सबका अपना अपना तरीका हो सकता है खिलाने का, पर हम लोग जब दूध के टाइम पे हम इन जानवरों को खिलाते हैं, जो जानवर जितना दूध देता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको हमारा फीड देते हैं, और प्लस 1 किलो उसका बॉडी मेंटेनेंस के कारण देते हैं।
तो जैसे आप बता सकते हो ये एक उठा के कि किस तरह का फीड है ये? फीड के लिए आपको बात करूँ, ये मेरा इसमें सरसों डीओसी भी हो गया, बाईपास फेड भी हो गया, खल भी हो गया, चूरी भी हो गई, सरसों भी हो गया, ये सब है। इसको हमने भिजा के रखा हुआ, ये भिजा के रखा है तो ये थोड़ा नरम हो जाता है, जानवर को खाने में मजा आता है। ये देखिए एग्जाम्पल, ओके, जितना चाव से जानवर खाएगा, जितना रिलैक्समेंट के साथ खाएगा, उतनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, उतना आपको मजा आएगा। जैसे कि आज इस वीडियो में आपने बताया फीड के बारे में, इसके अलावा कुछ और बताना चाहते हो? मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा कि काम उसी आदमी ने ये काम करना चाहिए जिस आदमी को इस काम में इंटरेस्ट भी हो, वो जो इस काम को कर सकता है। ओके, और मतलब कि देखा देखी भी करने की चाहिए इस काम में। ये तो बहुत सारे बार ऐसा होता है कि लोग सेटअप तो कर लेते हैं पर उसको कंटिन्यूस चला नहीं पाते। ओके, और हम लोगों का नेक्स्ट प्लांट वो है, नेक्स्ट फ्यूचर वो है हम लोगों का, जो हम फुल्ली ऑटोमेशन के साथ उधर काम करना चाहेंगे। जैसे ये आप देख सकते हो सामने एक वो ढांचा बन रहा है जिसमें ये फुल्ली ऑटोमेशन रहेगा, जैसे कि पार्लर जिसको अपन बोल सकते हैं, जो ऑटोमेशन के साथ जो पार्लर है, जो दूध निकालने की व्यवस्था है, वो सब चीज उधर आपको मिलेगी। ओके, और इसमें आने वाले काल में आपको एक नया वीडियो मिलेगा। आज तक के लिए तो हमें इतनी जानकारी मिली है, इनके लिए हम आनंद जी का धन्यवाद करते हैं। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप कुछ कमेंट कर सकते हैं जिससे हम आपको नई वीडियो दे सकते हैं। धन्यवाद।